पार्टी को प्रचंड एवं भव्य विजय प्राप्त हुई है, भव्य जीत हासिल हुई है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर मानिक साहा और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता को हार्दिक उनका अभिनंदन भी करता हूं। स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं और राज्य के विकास के प्रति डबल इंजन की सरकार के कमिटमेंट में जनता की आस्था और विश्वास का ये प्रतीक बना है। ये राज्य की जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जो सरकार त्रिपुरा में बनी, उसका प्रभाव जन जन तक देखने को मिल रहा है। यह विजय मोदी जी के सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों में जो लोगों की आस्था है, उसका ये परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषित हुए 334 वार्ड के नतीजों में 329 वार्ड में जीत दर्ज की है, जिसमें से भाजपा ने 112 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। इस पूरे चुनाव में विपक्ष को सिर्फ 5 सीट ही हासिल हो सकी है। लगभग सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी 100% सीटों पर विजय प्राप्त की है। 14 में से 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सभी की सभी सीटें भाजपा ने जीती हैं। 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, कालिया शहर में 17 में से 16, पानी सागर में से 13 में से 12 और अम्बासा में 15 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्र और राज्य सरकारें सदैव गरीब कल्याण के प्रति समर्पित रही हैं। देश की जनता विकास चाहती है और निरंतर नकारात्मक और संकीर्ण राजनीति को हमेशा खारिज करती रही है। त्रिपुरा के स्थानीय निकायों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक विजय राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है, विकासवादी सोच की जीत है, साथ ही यह विघटनकारी ताकतों और हिंसा की राजनीति करने वाले और त्रिपुरा का अपमान करने वालों को की करारी हार है और उनको एक सबक है। समाज के हर तबके, खासकर गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार को विकासोन्मुखी नीतियों का हृदय से समर्थन किया है और प्रधानमंत्री जी के जनहित के फैसलों और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों पर मुहर लगाने का काम किया है। त्रिपुरा की जनता देश में चल रही माननीय मोदी जी की विकास यात्रा में सहभागी बनना चाहती है और वह इस चुनाव में साथ उसने दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में विकास की क्रांति को नया रूप दिया है। उन्होंने न केवल पूर्वोत्तर के नागरिकों को देश के मुख्य धारा के साथ सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया है, बल्कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आए दिन ब्लॉकेट से मुक्ति दिलाकर शांति और विकास के रास्ते को स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तरह पूर्वोत्तर में विकास के एक नए सूरज का उदय हुआ है। इससे जनता की एक नया विश्वास पैदा हुआ है और अब पूर्वोत्तर देश की मुख्य धारा के साथ मिलकर न्यू इंडिया के विचार पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कोरोना की दस्तक के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में, उपचुनाव में तथा विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हों या स्थानीय निकाय के चुनाव हों, गुजरात में बाई इलेक्शंस हों या फिर स्थानीय निकायों के चुनाव हों, असम में बाई इलेक्शंस हों या
वहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के बीडीसी के इलेक्शन हो, या हैदराबाद का ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, मणिपुर, तेलंगाना और कर्नाटक के उपचुनाव हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुए स्थानीय निकायों के चुनाव हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। स्थानीय निकाय से लेकर सभी स्तरों के चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद से निरंतर विजय प्राप्त हो रही है। हमारे मनोबल को ऊंचा करके जो जनता ने हमें सेवा के लिए शक्ति दी है, उसके लिए मैं जनता का धन्यवादी हूं। मैं इस अभूतपूर्व जनादेश के लिए एक बार फिर से त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद देता हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि त्रिपुरा की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहेगी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।